अगली खबर आ रही है सिंगरौली से, जहां नगर परिषद बरगवा गठन और उसके चुनाव के बाद भी बाजार में बैट की वसूली हो रही थी। बाजार के व्यापारियों ने बैट की वसूली का विरोध किया और शिकायत एसडीएम देवसर से हुई, तो देवसर एसडीएम विकास सिंह ने बैट की वसूली पर रोक लगा दिया। इसके बावजूद कुछ लोग बैट की वसूली कर रहे थे, जिसका कुछ नेताओं ने विरोध किया और हंगामा होने लगा। तत्काल बरगवा पुलिस ने खबर पाते ही मामले को शांत कराते हुए समझौता करवाया। पुलिस के मुताबिक आज फिर वसूली करने एक पार्टी के लोग पहुंच गए, फिर विरोध होने पर भारी बवाल के साथ व्यापारी के घर मारपीट और तोड़फोड़ हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और 2 दर्जन से अधिक लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है, जबकि इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पहले कि बाजार में बैठकी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, कल विवाद होने के बाद में उन्हें आपस में समझौता भी हो गया था। तहसीलदार साहब ने पहले बैठ के कुछ आदेश किया हुआ था वसूली के संबंध में, और कल एसडीएम साहब ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद ये वसूली कर रहे थे, उसी बात को लेकर वहाँ कुछ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, और इसके बाद आज फिर कुछ जो लड़के थे जो वसूली करने वाले थे, आज पुनः से फिर गुप्ता जी के यहाँ चले गए, और वहाँ पर उन्होंने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, उनके घर में घुस गए और उनके भतीजे के साथ हाथापाई की, जिससे उसके हाथ में साधारण सी चोट आई थी। उसी बात से लेके जब थाने में रिपोर्ट आई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रार्थी की रिपोर्ट पर से, गुप्ता जी की रिपोर्ट पर से वसूली करने वालों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 323, 294, 506 के साथ साथ 455, 327, 147, 48 की अच्छी धाराएँ लगाई गई हैं। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में भी ध्यान रखा जाएगा किसी तरह की कोई विवाद किसी निर्मित ना हो। सर, इलाके में काफ़ी तनाव का आलम है, चूँकि दोनों वहीं के हैं और दोनों पक्ष तो कहीं ना कहीं जो है लॉ ऑर्डर के भी। मैंने आपको ये बताया ना कि दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस ने जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी कर दी है, समझाइश के तौर पे भी, और साथ में शहर में व्यवस्था के तौर पे भी पुलिस ने काफ़ी वहाँ कार्रवाई की है, और किसी भी तरह की कोई लॉ ऑर्डर की स्थिति नहीं है। मामला शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने सुलझा लिया है और आगे भी शांति स्थापित रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।